अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आइए, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा के शून्यक मतलब कहां पे ये वैल्यू जीरो होगी, इसको हम लोग वृत्त की सहायता से डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पे वृत्त पे ए और सी पे वाई निर्देशांक जो होगा वो शून्य होगा। अब यहां पे जब यहां से रोटेशन स्टार्ट होगा, घूर्णन स्टार्ट होगा, बिंदु यहां से घूमना शुरू करेगा, तो यहां पे पहला वैल्यू जो होगा एंगल का वो जीरो आएगा। फिर जब यहां पे आएगा सी पे आएगा तो ये पाई, फिर टर्न करते हुए घूमते हुए जब फिर से ए पे पहुंचेगा तो टू पाई और डैश डैश डैश, इसी तरह से ये थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई सिक्स पाई, ये रोटेशन कंटिन्यू रहेगा। देखो जीरो से स्टार्ट किया, आई पे जीरो होगा, फिर टू पाई पे जीरो हुआ, फिर थ्री पाई पे जीरो होगा, फिर फोर पाई पे जीरो होगा, फिर फाइव पाई पे जीरो होगा, और इस तरह से इसका रोटेशन चलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। अब अगर क्लॉक वाइज ये घूर्णन करता है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, यहां से यहां आएगा, तो अब ये अगर इस दिशा में चलेगा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज, तो यहां पे आ जाएगा माइनस पाई, फिर यहां पे आएगा माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई, तो ये इसके ऋणात्मक गुणज होंगे किसके लिए, पाई के लिए। तो अब साइन थीटा को जीरो जो है हम लोग रोटेशन पे देख लिए। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, एक साथ लिखना है। तो सारे वैल्यू में कॉमन क्या है, पाई को अगर हटा दो तो ये इंटीजर है, पाई को हटाएंगे तो जीरो वन टू थ्री, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो इसके लिए एन लिख दिया और ये पाई के साथ है तो पाई लगा देंगे, और एन क्या है, जेड है, मतलब पूर्णांक है। तो साइन का वैल्यू जो है वो पाई के मल्टीपल पे, पाई के गुणज पे जो है इसका वैल्यू जो होगा वो शून्य होगा। अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा तो यहां पे जीरो है, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस पाई, यहां पे आएगा माइनस टू पाई, यहां पे आएगा माइनस थ्री पाई, यहां पे फिर आएगा माइनस फोर पाई। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो। अब इसी तरह से हम लोग कॉस का देखेंगे, तो जिस तरह से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया गया उसी पैटर्न पे कॉस का वैल्यू भी देख सकते हैं आप। कॉस जो है वो यक्स है, मतलब यक्स निर्देशांक है वृत्त का, तो यक्स निर्देशांक जो है वो वाई अक्ष पे जीरो होगा। तो यहां पे वैल्यू आ गया, जब ये घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा टर्न करते हुए, तो यहां पे पहला बिंदु आएगा इसका पाई बाई टू, 90 डिग्री, पाई जो है वो 180 डिग्री है, ये याद रखा करो, पाई जो है वो आपका 180 डिग्री है। तो हम लोग मैक्सिमम डिस्कशन जो है वो कोशिश करेंगे कि पाई के पदों में हो, तो 180 अपॉन 2 जब करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, यहां से घूर्णन पे घूमते हुए जब यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे एंगल हो जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर यहां पे 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, तो यहां पे क्या आ गया, पाई के पाई बाई 2 इसमें कॉमन है सब में, और इसके साथ जो गुणज है वो ऑड इंटीजर है 1, 3, 5। अब इसी तरह अगर क्लॉकवाइज चलेंगे आप तो यहां पे आएगा माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, तो निगेटिव को भी लिख दिया गया, इसमें कॉमन क्या है,
पाई बाई टू, सारे वैल्यू में जो शून्यक है इसके, इसमें कॉमन वैल्यू है पाई बाई टू। अब इसके बाद जो नंबर है वो देख लीजिए, 1, 3, 5, और क्लॉकवाइज के लिए -1, -3, -5, -3, -5। तो अब ये आ जाएगा, इसको आप 2n+1, 2n-1, 2n+3, 2n+5 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सामान्य रूप से यहां पे हम लोग 2n+1 लिखते हैं या 2n-1 लिखते हैं। अब 2n+1 किसके साथ? पाई अपॉन 2 के साथ। तो ये हो गया पाई बाई 2 के विषम गुणज हो गए। तो पाई बाई 2 के विषम गुणज पे कॉस का वैल्यू जो होगा वो शून्य होगा। तो ये इसके शून्यक होंगे। अब अगर इसे के इन दोनों की सहायता से जब आप टैन के बारे में डिस्कस करोगे, तो टैन जो है वो साइन अपॉन कॉस है, तो डिनोमिनेटर तो शून्य होगा नहीं, तो साइन अपॉन कॉस में साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, और साइन थीटा के शून्य को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं 0 पॉइंट को। ये आ जाएगा एन पाई, पाई के गुणज होंगे, जहां पे एन जो है वो पूर्णांक है। दैट्स ऑल।